ये वीडियो चैप्टर 7 का दूसरा हिस्सा है। इसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ और देखेंगे कि जो वेरिएबल सर्कुलर मोशन के हमने डिफाइन किए थे वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फेज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी शामिल है। हमने सबसे पहले लीनियर मोशन पढ़ा और उसके लिए हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेरिएबल्स डिफाइन किए। उसके बाद हमने एंगुलर मोशन पढ़ा जो कि सर्कुलर मोशन होता है, जिसके लिए हमने स्पेशल वेरिएबल डिफाइन किए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि रिलेटेड थे लीनियर वाले के साथ, मगर इनका अपना फायदा था और ये सर्कुलर मोशन को अच्छा डिस्क्राइब करते थे। अब हम टू एंड फ्रो मोशन पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हमें इस मोशन की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें खास वेरिएबल्स की जरूरत है। तो मैथमेटिशियंस ने देखा कि बजाय इसके कि हम नए वेरिएबल्स इसके लिए इजाद करें या उनकी डेफिनेशंस बनाएं, अगर हम सर्कुलर मोशन का मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वेरिएबल्स डिराइव कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल चीज होगी जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बॉडी सर्कल के अराउंड मूव कर रही होती है। ये टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें वाई और एक्स दोनों कोऑर्डिनेट्स इस बॉल के पोजीशन के चेंज हो रहे होते हैं। इसको हम रिलेट करना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, जो कि वन डायमेंशनल मोशन है, जिसमें एक इसकी बेहतरीन मिसाल है स्प्रिंग। अगर वो वर्टिकली लटका हुआ है तो वो ऊपर नीचे मूव करता है, उसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। अगर वो हॉरिजॉन्टली लटका हुआ है तो वो आगे पीछे मूव करेगा, उसका सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट चेंज होगा। इस वन डायमेंशनल मोशन के साथ मैं टू डायमेंशनल मोशन को कैसे रिलेट कर सकती हूँ? अगर मैं इस बॉल की सर्कुलर मोशन में जो बॉल है इसकी मैं प्रोजेक्शन लूँ, इसकी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर एक प्रोजेक्शन आ जाएगी और वाई एक्सिस के ऊपर एक प्रोजेक्शन आ जाएगी, जो कि हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये, और अगर इसका रेडियस एक्स नॉट हम उसको कह देते हैं या आर कह देते हैं चलें, तो एक्स वाली एक्सिस पर प्रोजेक्शन आर कॉस थीटा होगी और वाई के ऊपर आर साइन थीटा होगी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये मुझे उसकी डिस्प्लेसमेंट दे देगी एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है। ये बराबर होगी जितनी मेरी वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन चेंज हो रही है। जैसे जैसे ये सर्कल के गिर्द मूव करेगा बॉल, वाई एक्सिस की प्रोजेक्शन कैसे मूव करेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये बिल्कुल मेरे सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा होगा। और फिर सर्कुलर मोशन के लिए मैंने इतने यूजफुल वेरिएबल्स जो डिफाइन किए हुए हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनसे रिलेटेड जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब मैं यूज कर सकती हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। मैं इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहती हूँ। ये वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर रहा है, मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है। इसकी डिस्प्लेसमेंट को मैं x कह देती हूँ और मुझे पता चला कि ये बराबर है, अगर मेरा एक बॉल सर्कल में मूव कर रहा हो तो उस सर्कल में मूव करते हुए बॉल की जो y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन होगी ये वाली डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर होगी। तो इसको भी मैं x कह देती हूँ और मैंने फाइंड करना है कि x कितना है इस सर्कल में, वो x कितना है इस सर्कल का। इस वक्त जो पोजिशन है ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के जरिए मैं, अगर इसका साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, इसका परपेंडिकुलर एक्स है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, सर्कल के रेडियस को हम कह देते हैं एक्स नॉट है वो। तो मेरा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नॉट मेरी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एक्स। एक्स बराबर है, सर्कल का रेडियस हमें पता है, साइन एंगल थीटा हमें पता है, एंगल थीटा इस सर्कल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है। तो यू मेरे पास इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट आ गई। इस स्प्रिंग के साथ जो मास लटका हुआ है उसकी डिस्प्लेसमेंट तो मैंने फाइंड कर ली, वो बराबर थी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। अब मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहती हूँ, ये ऊपर नीचे मूव करे खास वेलोसिटी से। तो हमने इसको सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट किया, इस बॉल की जो वेलोसिटी है इसकी जो वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी होगी स्प्रिंग की। तो बॉल की वेलोसिटी क्या है, अलोंग टेंजेंट होती है हर पॉइंट पे, इसको मैं VP कह देती हूँ। इसका मैं वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहती हूँ, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट लिया था, अब मैं इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहती हूँ। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया और उसकी जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है इसको मैं V कह देती हूँ, जो कि मेरी इस मास की वेलोसिटी होगी। सिर्फ ये मैंने फाइंड करनी है कि क्या है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का मैं अगर एंगल फाइंड कर लूँ ये वाला,
तो मेरे पास बड़े आराम से आ जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा था, और येलो और वाइट लाइन का जो एंगल है आपस में वो 90 डिग्रीज है, तो अगर मैं 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो सिंपली फिर मैं साइन ऑफ दिस एंगल 90 माइनस थीटा अगर करती हूँ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, वीपी। मेरे पास वेलोसिटी आ गई मास स्प्रिंग की, वीपी साइन 90 माइनस ओमेगा। इसको हम आसान करके कैसे लिख सकते हैं कि हम वीपी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जब एक बॉडी सर्कल में मूव करी होती है वो रिलेटेड होती है एंगुलर वेलोसिटी के साथ आर ओमेगा। आर सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस है एक्स नॉट, तो ये वेलोसिटी वीपी जो है मेरे पास एक्स नॉट ओमेगा के बराबर है। इसको एक्स नॉट ओमेगा लिखा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस थीटा आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी, इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी वेलोसिटी है, इस स्प्रिंग जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम इस मास की जो स्प्रिंग के साथ लटका हुआ है एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं। जब ये ऊपर नीचे मूव होता है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही होती है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। वो उसको बेसिकली वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है, और वो उसको फोर्स करी होती है कि ये वापस अपनी मीन पोजिशन के ऊपर आए, तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। इसको अब हम रिलेट करना चाहते हैं सर्कुलर मोशन के साथ। सर्कल में जब कोई चीज मूव करी होती है तो उसके ऊपर दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जिसको कहती है सेंटर की तरफ जाओ, और दूसरी इसकी एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन होती है जिसको हम राइट हैंड रूल से शो करते हैं। इस वक्त हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है क्योंकि वो उसको सेंटर की तरफ मूव करी है, जैसा कि स्प्रिंग वाली एक्सेलरेशन उसको सेंटर की तरफ मूव करी है, तो ये दोनों सिमिलर होती है। इस एक्सेलरेशन को मैंने एपी कह दिया। अब इसके मैं दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले लूंगी, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको मैं ए कह देती हूँ। ये बेसिकली मेरी स्प्रिंग की एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जिसका एंगल ये थीटा है। दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट करती है तो उनके एंगल्स बराबर होते हैं, तो जब ये थीटा था तो वो भी थीटा है। अब मैं सिंपली साइन ऑफ थीटा बराबर है परपेंडिकुलर जो कि ए है डिवाइडेड बाय ए पी, तो ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई स्प्रिंग की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और साइन ऑफ थीटा। अब मैं देखना चाहती हूँ ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए पी किसके बराबर होती है। ये एक रिलेशनशिप है जिसको हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आता है। फिलहाल ये बराबर है रेडियस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, रेडियस हमारा एक्स है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा हमने डिस्प्लेसमेंट में बराबर, साइन थीटा बराबर था, अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स है और इसका रेडियस एक्स नॉट है तो साइन थीटा इसी वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बराबर था एक्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो वो हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज क्या था, एक्स नॉट से कट गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स हमारी एक्सेलरेशन आ गई। एक और चीज कि यहां पर माइनस साइन आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर थी तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी। इसकी डायरेक्शंस और ये वाला रिलेशनशिप कहां से आता है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। लोगों ने कैलकुलस पढ़ी हुई है उनके लिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो अभी हमने ज्योमेट्री से कैलकुलेट की वो कैलकुलस से याद रखना या ड्राइव करना बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है वेलोसिटी बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अगर मैं इसको d बाई डी टी इसका डेरिवेटिव लूँ दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास आ जाएगा x नॉट साइन का डेरिवेटिव cos और ओमेगा जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ वो पीछे आ जाएगा cos ओमेगा t। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई, और इसी तरह एक्सेलरेशन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो अब एक्सेलरेशन के लिए मैं इसका दोबारा से d बाई डी टी लूँ दोनों साइड्स पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos ओमेगा t माइनस साइन के बराबर होता है, माइनस साइन ओमेगा t के बराबर होगा और x नॉट एज इट इज आ जाएगा और ओमेगा एक पहले से लिखा हुआ था और एक ये वाला पीछे आ जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर। तो यानी मेरे पास ये रिलेशनशिप्स मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉरी कैलकुलस से बहुत आराम से डिराइव कर सकती हूँ। याद रखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। इस स्लाइड का मकसद आपको बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक स्प्रिंग ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है और इनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा ग्राफ है जो हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट करके दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है,
डिस्प्लेसमेंट होती है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ये साइन फंक्शन बना रहा होता है क्योंकि पहले हमारा जो बॉल होता है वो सेंटर पे होता है, फिर मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है, फिर वापस सेंटर पे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर वापस सेंटर पे आता है, तो ये साइन बनाता है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट भी साइन से करते हैं, मैथमेटिकली भी हमने देखा। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। हमें याद है वेलोसिटी बराबर थी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो हमने ये साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई कॉस ओमेगा टी। कॉस फंक्शन जो होता है वो साइन के ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में। जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम थी, जब वो मीन पोजिशन पे था, तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। और फिर ये टी बाय फोर और थ्री टी बाय फोर जो हैं वो वाले इंस्टेंस हैं जिनके ऊपर वो पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड यानी एक्सट्रीम पोजिशन हम इनको कहते हैं। और टाइम पीरियड जब जीरो होता है या हाफ होता है जब या जब टी होता है पूरा, तो ये अपने मीन पोजिशन पे होती हैं, इनको हम मीन पोजिशन कहते हैं। और टी बाई फोर और थ्री टी बाई टू को हम एक्सट्रीम पोजिशन कहते हैं। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर मिनिमम है और वेलोसिटी मीन पोजिशन के ऊपर मैक्सिमम है, यानी जब स्प्रिंग अपनी मीन पोजिशन पे आ जाता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इसकी जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास डेरिवेटिव होती है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये माइनस साइन है, माइनस साइन ग्राफ है, यानी इसका मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आपस में ऑपोजिट हैं। जब जैसे जैसे एक्सेलरेशन जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है, एक्सेलरेशन बढ़ती है, ऐसे कि मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है, और वो जब हमें याद है रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स था, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी उन पॉइंट्स पे मैक्सिमम होती है। और जब वो मीन पोजीशन पे आ जाता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल इज, यानी एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और उस पार्टिकल की हम प्रोजेक्शन लेते हैं उस सर्कल के डायमीटर के ऊपर, एक्स डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। इस प्रोजेक्शन से हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। अगर हम वर्टिकल ले रहे हो तो हम वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो हम एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेंगे। बेसिकली उन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया कि वो बराबर होती है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के। चूंकि हमारे पास ऑप्शन एक्स नॉट और साइन की टर्म्स में नहीं दिए गए, सिर्फ एक्स और साइन के बगैर हैं, तो हम साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हम पिछली एक स्लाइड में कर चुके हैं। माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन को मैं एक्स ओवर एक्स नॉट लिख सकती हूँ, मेरे पास बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। माइनस साइन जरूरी है क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिन ऑप्शन में माइनस नहीं है उनको मैं रूल आउट कर लेती हूँ। और फिर ऑप्शन सी में ओमेगा स्क्वायर है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। ऑप्शन डी में एक्स को स्क्वायर किया गया है बजाय इसके कि ओमेगा को किया जाए, ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन है जो कि गलत है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड होती है, यानी एक टाइम पीरियड टी के अंदर एक रेवोल्यूशन पूरी कंप्लीट करता है जो भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है। इसको हम रिलेट करना चाहते हैं एंगुलर मोशन के साथ। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर मुझे पता चले कि एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, वो कितने टाइम में होती है, तो मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ। एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियंस होती है और हमने डिफाइन कर दिया फ्रीक्वेंसी के लिए कि वो एक टाइम पीरियड टी में होती है। यू मेरे पास ओमेगा 2π/T एक रिलेशनशिप आ गया। इस टी को मैं एफ से भी रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को या टाइम पीरियड को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट करता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास चार ऑप्शन हैं जिनमें से दो फोर्सेस हैं, अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स तो हम शुरू में अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू हो जाता है, उसके बाद अप्लाइड फोर्स का किरदार खत्म हो जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाइड फोर्स की वजह से बरकरार नहीं रहता, बरकरार वो रहता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम कंसिडर करेंगे। बाकी दो ऑप्शन हैं डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सिंपली हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, इसलिए एम्पलीट्यूड को भी हम निकाल देते हैं क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर रहे हैं जो कि चेंज हो रही है। एम्पलीट्यूड तो एक फिक्स्ड होता है। तो अब सवाल यह है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या रिस्टोरिंग फोर्स के। इसका जवाब यह है कि वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, चूंकि हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ है, फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था कि
सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एक्स ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब मैं कैसे फैसला करूँ कि ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है? ऐसे केस में हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी चेंज हो रही होती है. जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल टाइम रखते हैं, फिर वाई एक्सिस के ऊपर हम देखते हैं कि टाइम के साथ क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स होता है या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, कोई चीज़ अपनी मीन पोजिशन से हटती है, तो जैसी डिस्प्लेसमेंट होती है फिर उसके मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है. यानी सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन है. डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है. रिस्टोरिंग फोर्स फिर प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, और यानी एट द एंड एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स के भी प्रोपोर्शनल होती है और डिस्प्लेसमेंट के भी प्रोपोर्शनल होती है, मगर असल जो उसकी कॉज है ये यूं साइकिल चलता है. एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से पैदा हो रहा है. यानी एक्सेलरेशन को अगर मैं रिलेट करना चाहती हूँ, मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि मेरी एक्सेलरेशन ज़्यादा कम क्यों हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कॉज है. तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे. सर्कुलर मोशन में जो मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी मदद से मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट निकाल लेती हूँ, जो इसकी टू एंड फ्रो डिस्प्लेसमेंट होती है. कैसे? कि अगर मेरे पास ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, इस थीटा से मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाती है. एक तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेती हूँ एक्स नॉट साइन थीटा, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजिशन से कितना ऊपर या कितना नीचे है. दूसरा, थीटा की वैल्यू से मुझे पता चल जाता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है इस मास की, ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है. कैसे? जब मैं थीटा 0 to 90 डिग्री के दरमियान होगा तो इसका मतलब होगा कि मेरा मास ऊपर जा रहा है, फिर 90 से 180 का मतलब होगा वो वापस नीचे आ रहा है, 180 से 270 तक वो दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर 270 टू 0 या 360 वो वापस ऊपर जा रहा है. यानी सिंपली थीटा की वैल्यू से मेरे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक उसकी डायरेक्शन. इस थीटा को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फेज कहते हैं. और ये थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, तो ये रिलेशनशिप होल्ड करता है. मगर फेज के केस में एक चीज़ होती है कि मैं इस ओमेगा टी में एक फैक्टर ऐड करती हूँ फाई. फाई मेरी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन होती है. यानी अगर ये जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुआ तो ज़रूरी नहीं है वो एक्स एक्सिस से मूव करे, वो किसी भी जगह पे हो सकता है सर्कल के अंदर. तो ये जगह जाना मेरे लिए ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर मुझे जगह पता नहीं होगी तो फिर मैं डायरेक्शन नहीं बता सकूंगी. अगर वो यहाँ से शुरू हुआ और मेरा एंगल 90 डिग्री है तो वो इसके हिसाब से 90 डिग्री बना रहा होगा, फिर इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो ऊपर जा रहा है, फिर इसका मतलब होगा कि अब यहाँ तक वो नीचे आना शुरू हो चुका होगा, तो फिर मेरी डायरेक्शन गलत हो जाएगी. इसलिए मैं एक फैक्टर ऐड करती हूँ फाई, जो कि मेरा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है, और इस फाई की वजह से फिर मुझे डायरेक्शन सही पता चलती है एंगल की मदद से. तो मेरा टोटल फेज ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होता है.